बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत खूबसूरत पैदा किया है और इस चीज़ की कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कई जगह पे ज़िक्र किया है कि मैंने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है। इंसान खूबसूरत लगना चाहता है, खूबसूरत इंसान की दिली ख्वाहिश होती है कि मैं खूबसूरत नज़र आऊँ, लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करें, मेरी अच्छी सेहत की तारीफ़ करें। तो हमें भी अपनी सेहत की हिफाजत करनी चाहिए। अच्छी सेहत अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया की जितनी नेमतें हैं, अगर तमाम नेमतों को इकट्ठा किया जाए तो ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत जो है वो अच्छी सेहत है। इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहता है, तो अपने आप को हमेशा सदाबहार रखने के लिए, चेहरे के दाग धब्बे और झुर्रियों से निजात पाने के लिए सबसे बेहतरीन एक आसान सा नुस्खा मैं लाया हूँ, जो आप आजमाएं तो आसानी से आप जो है बना सकते हैं, घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे आप हमेशा सदाबहार लगेंगे। आपका चेहरा हर वक्त पुर रौनक लगेगा, आपके चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसका आसान सा तरीका यह है कि एक पाव चावल पानी में डुबो कर तकरीबन 6 घंटे रहने दें, उसके बाद निथार पानी अलग-अलग कर लें, चावल अलग-अलग कर लें, और उस पानी में आधा चम्मच हल्दी शामिल करके उसको महफूज करके रख लें। दिन के वक्त एक दफ़ा या दो दफ़ा उस पानी को अपने चेहरे पर मसाज करें। मसाज करने के बाद 15 मिनट रहने दें, उसके बाद धो लें। ज़रूर उस चावलों के पानी को जिसमें आधा चम्मच हल्दी मिला हुआ था उसको सेव कर लें, फ्रिज में रख दें। रोज़ाना दिन में एक मर्तबा उस पानी को हाथों पे डालें और चेहरे का उससे मसाज करें। मसाज करने के बाद 15 मिनट चेहरे पर लगे रहने दें उस पानी को, उस सफूफ को, उस पानी को जो हल्दी मिला और चावलों का था, तो 15 मिनट के बाद चेहरा धो लिया करें। यह अमल तकरीबन 40 दिन करें, रोज़ाना 15 मिनट, तो इंशाअल्लाह ताला आपका चेहरा पुर रौनक हो जाएगा, चेहरे के दाग धब्बे और झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आपका चेहरा ऐसे लगेगा जैसे पुर रौनक हो, सदाबहार हो। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह ताला मैं इस किस्म की हेल्थी वीडियो और मेंटल हेल्थ की वीडियो शेयर करता रहूँगा, और जिससे आपके काफ़ी सारे नफसियाती जिस्मानी मसाइल हल पेश करता रहूँगा। दुआओं में याद रखिए। थैंक्स।